श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने का 5वां सोमवार है, यानी कि अधिक मास का सोमवार। और इसी अधिक मास के सोमवार को आपको मात्र 2 लोटे जल से और मात्र 2 चावल के दाने से माता अशोक सुंदरी वाला एक विशेष उपाय करना है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा खास होता है और इस दिन आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना मत भूलना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना, सच्चे दिल से लिखना। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको सबसे पहले लेने हैं 2 चावल के दाने यानी अक्षत, और ये खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो आपने 2 चावल ले लिए, इसी के साथ आपको लेना है 2 लोटे जल। अब ये 2 लोटे जल आप तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं या स्टील के पात्र में भी, किसी में भी ले लें। चाहे आप बेशक 2 पात्र स्टील के ले लें या तांबे के ले लें, पर आपको 2 लोटे जल लेना है, ठीक है। तो आपने 2 लोटे जल ले लिया, इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस सामग्री को लेके आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है। तो ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर हमेशा कलेश लगा रहता है, हमेशा किसी न किसी की लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, घर में किसी को किसी से बात करना पसंद नहीं होता, कोई किसी की बात नहीं मानता, हमेशा ही कलह कलेश का घर में माहौल बना रहता है, सारा घर बिखरा बिखरा सा हो गया है। तो ऐसे लोगों को जो चाहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर से कलह कलेश समाप्त हो जाए, तो उन लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए सोमवार के दिन। तो अब हम जान लेते हैं कि करना क्या है। तो जैसे ही आप मंदिर आ जाएं, तो आपको जो आप सामग्री लाए हैं उसमें से सबसे पहले बेलपत्र को लेना है और बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 2 लोटे जल लाए हैं और 2 चावल के दाने लेके आए हैं, तो 2 चावल के दानों को आपको जल के पात्र में डाल लेना है चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। आपने लोटे में डाल लिए 2 चावल के दाने, फिर क्या करना है? तो आपको दोनों हाथों में एक एक लोटे जल ले लेना है और इस जल को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है एक पतली सी धार के साथ, और जो भेलपत्र आपने अर्पित किया है उसी के ऊपर आपको इस जल को अर्पित करना है एक साथ चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। तो आपने जल जब अर्पित कर रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल को अर्पित कर देना है। और जो भेलपत्र है ना, इस बात का भी ध्यान रखें, भेलपत्र का जो भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस प्रकार से आपको भेलपत्र को अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित कर दें, चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करें, जिससे क्या होता है आपके जीवन में शीतलता आती है और जो आपके घर में कलह कलेश चल रहा होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि चंद्रमौली महादेव शीतलता प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करता है और सोमवार के दिन 2 लोटा जल अर्पित करता है, उसके जीवन से कलह कलेश सदैव के लिए दूर हो जाते हैं, उसके समस्त कष्ट कट जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में धन वैभव की उसे प्राप्ति होती है, जीवन के समस्त कष्ट दुख दर्द सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ये उपाय है जो आपको इस सोमवार के दिन करना है। ये आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, और यदि आप ये उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। तो दोस्तों, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके समस्त जो भी
परेशानियां आपके जीवन में हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।